जिला उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुरा में पीकू वार्ड में मॉक ड्रिल को परखा नोडल अधिकारी ने। जसपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज शुक्रवार को कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए कोरोना संक्रमित बच्चों के इलाज से जुड़ी तैयारियों को परखने के लिए पीकू पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट वार्ड में मॉक ड्रिल किया गया। तहसील स्तर पर होने वाले इस मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कल गुरुवार को मॉक ड्रिल की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे रहे। जसपुरा के सरकारी अस्पताल में स्थित पीकू वार्ड के नोडल अधिकारी डॉक्टर एम सी पाल के नेतृत्व में डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ की टीम ने मॉक ड्रिल को संपन्न करा। शुक्रवार को आयोजित हुए मॉक ड्रिल में स्वास्थ्य विभाग में कार्यकर्ता प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप पटेल, डॉक्टर अंकुर अवस्थी, चिकित्सकों समेत 8 सदस्य मेडिकल स्टाफ शामिल होगा। कोरोना संक्रमित बच्चे को अस्पताल में भर्ती करने से लेकर उसकी व उसके तीमारदारों की जांच व इलाज से जुड़ी सभी तैयारियों को मॉक ड्रिल के जरिए परखा गया। आज हमारा जो तीसरी लहर जो कोविड की आ रही थी, बहुत जोर तोर से कहने मतलब सेंटर से लेके उत्तर प्रदेश पूरा वर्ल्ड में ये मान के चला जा रहा है कि सितंबर या अगस्त के लास्ट सप्ताह में तीसरी लहर आने की संभावना थी। उसी को देखते हुए हमने जो है पहले से अपनी पूरी तैयारी की है। उसी के लिए जो है हमारा जो है 4 सीएससी चिन्हित की गई थी, जिसमें से चारों के लिए जो है नोडल जिला स्तरीय बनाए गए थे, जिसमें से एक हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरमी था, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू और पीएससी महुआ, चौथा अपना सीएससी जसपुरा। वहाँ के लिए भी 3 हमारे एसीएमओ जो है गए हुए थे, यहाँ जसपुरा के लिए मैं यहाँ पर होता हूँ। उसके तैयारी के लिए हमें जो पहले जो पूरी देखिंग नाम पड़ा था कि हमारे पास बेड की ऑक्यूपेंसी कितनी है और हमारे पास ड्रग अवेलेबिलिटी कितना है, इक्विपमेंट क्या है और हमारा जो स्टाफ है सीएससी का कितना ट्रेंड है। उसी को ये देख मान के हम लोग चल रहे थे कि पहले हम लोग अपनी तैयारी कर लें एज ए मॉक ड्रिल। फ्यूचर में मान लो कभी ऐसी संभावना आती है, जो हमारी गैपिंग है, जो कमियां हैं, उनको हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में आज हमारा ये हुआ है मॉक ड्रिल। सर, जो आज मॉक ड्रिल हुआ है, इसमें क्या क्या मानक थे और क्या क्या यहाँ पे पूरे हो रहे हैं? मानक जो हमारा था, मानक के अनुसार 2/3 पार्ट हमारा पूरा है। 1/3 पार्ट जो हमें कुछ उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन से जो हमें कुछ कंज्यूमर लाना था और कुछ इक्विपमेंट आना था, वो चूँकि अब वहीं से आ रहा है हमारा UPMCL लखनऊ से, तो वही हम देखा है। तो जो गैपिंग हमारे यहाँ आ रही जो कमियाँ हैं, तो हमने कल मांग पत्र भेजा है। इसके बाद अब गूगल शीट भरेंगे पूरी अपने डिस्ट्रिक्ट आकलन करते हुए, उसको फिर डिमांड देंगे तो वो कमियाँ हमारी वहाँ से फिलअप हो जाएंगी।